convention, if you have कभी second equation से कभी paper पढ़ रहे हो, इस previous video में आपने exponential wave equation पढ़ी है, तो exponential wave equation three particles की रही थी, अगर कोई three particle अगर zoom करता है, उसके लिए equation निकालनी है, लेकिन यहाँ पर three particle नहीं है, यहाँ पे कोई particle move कर रहा है, लेकिन किसी force के कारण नहीं कोई, किसी force के कारण अगर कोई particle move करता है, तो उस particle के अंदर टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट होती है उसकी यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करते हैं दैट इज वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन लास्ट वाले वीडियो में आपने थ्री पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन की थी और यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट पार्टिकल के लिए जिसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है तो इसकी एक जनरल इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं दैट इज वी इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर बाय टू वन प्लस वी जहाँ पर वन बाय Vx square by m different between the kinetic energy of the particle and Vx come into that potential energy. Three particle the potential energy becomes zero jati. Power particle के लिए zero नहीं होती. पूरी equation में size के operator में form में convert करने के लिए पूरी equation को size से multiply करते हैं. इसके बाद हम लोग wave जब propagate करते हैं, तो उसका अपना wave function होगा that is sin x comma t. एक्स कॉमर्टी का वेव फंक्शन है तो एक वेव इक्वेशन लास्ट वीडियो में अगर आप लोग पढ़ चुके दैट इज साई एक्स ए की पावर आई अपॉन एच प्लस पी एक्स डॉट पी एक्स डॉट एक्स माइनस ई टी इस इक्वेशन नंबर सेकेंड है सिमिलरली लास्ट वीडियो के फॉर्म में आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे और टी के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे चूंकि यहाँ पर ई सिंगल है इसके एक ही बार डिफ्रेंसिएशन होगा और पी एक्स स्क्वायर जो भी प्राइस टर्म है तो इसलिए इस इक्वेशन का मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंसिएशन करना फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो इक्वेशन आई अपॉन एच प्लस पी एक्स बनेगा दैट इज ए और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन ई की पावर एक्स के पॉवर में बनेगा यहाँ पर साई का जो पूरा साई है उसको मैं अबाउ इक्वेशन से साई के फॉर्म में इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्स प्लस फाइव बाई डायरेक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आई का स्क्वायर बाय एच स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर है सिमिलर टर्म्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा जिस मल्टीपल फॉर्म में होगा और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर आपकी जो इक्वेशन थी इसमें आई वाला टर्म है एच क्रॉस आई इस इक्वेशन को भी माइनस आई बाय एच इस आई बाय एच को इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए आई अपॉन में नहीं रहता ये क्या मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करो बाय को मल्टीप्लाई डिवाइड भी करो आई का कॉमन हो जाएगा एच को इसको कॉमन कर दो करो चलिए यहाँ पर इस इक्वेशन को फोर और थ्री और फोर दोनों की इक्वेशन जा रही है फर्स्ट में लुक कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू को तो इक्वेशन जो है आई एच क्रॉस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय फोर डेल स्क्वायर स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल इसको हम वन डायमेंशन डायमेंशन शुरू कीजिए वेव इक्वेशन कहेंगे और इसको थ्री डायमेंशन इक्वेशन इस इक्वेशन को एक्स की जगह डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया थ्री डायमेंशन वेव इक्वेशन और ये इक्वेशन वन डायमेंशन वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर अब किसी इक्वेशन के अंदर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है वन इज टाइम डिपेंडिंग एंड अदर इज टाइम इनडिपेंडिंग मतलब इस पूरे इक्वेशन का
IHS or RHS will be the number to be that is NHS. और दिस उस आरएचएस तो पार्ट ऑफ है तो एनएचएस जो है कंप्लीटली टाइम से डिपेंडेंट है तो दिस पार्ट इज सेपरेटली टाइम डिपेंडेंट ठीक है आरएचएस में कहीं पर टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है दैट इज दिस इक्वेशन इज सेपरेटली टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इस दोनों की पार्ट को